कक्षा सातवीं के दूसरे इकाई के आठवीं कविता का नाम है हम चलते सीना तान के, जो पृष्ठ क्रमांक 48 में दिया हुआ है। हम चलते सीना तान के इस कविता को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने क्षमता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। पहली पंक्ति, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। पहली पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि हमारे धर्म अलग है, हमारी जातियां अलग है, हमारे वर्ण अलग है, हम भाषाएं भी अलग बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के बेटे हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्ति, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता क्षमता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र मिट्टी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के बेटे हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्ति, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अग्नित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के बेटे हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते भले ही हम गिर जाए, परंतु अपने तिरंगे को कभी नहीं गिरने देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने देश पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के बेटे हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्ति, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, उनकी गाथाएं गांव गांव नगर नगर और घर घर में गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के बेटे हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं।